वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट 2022 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि बजट हर नागरिक और अर्थव्यवस्था के नए क्षेत्रों को पूरा करने वाला बजट है। उन्होंने दूरदृष्टिपूर्ण बजट प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। उन्होंने कहा कि बजट भविष्य की डिजिटल इकोनॉमी के लिए स्पष्ट सोच के साथ उठाया गया सुविचारित कदम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बजट भाषण का प्रसारण लाइव देखा। बता दें कि मध्य प्रदेश को केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित जिलों में पेयजल, सिंचाई, बिजली की सुविधाओं के साथ ही रोजगार, औद्योगिकरण और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट।